हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि 13 फरवरी को वी आर सेलिब्रेटिंग रेडियो डे और एनएसएस ऑफ गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक ऑफ जम्मू वी आर सेलिब्रेटिंग रेडियो डे। और वर्ल्ड रेडियो डे में हम यही बताना चाहते हैं कि रेडियो आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए, आज मैं आपको अपने स्टाफ के साथ, अपने कुलीग्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ आपसे बात करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हमारे लिए रेडियो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक का नज़रिया रेडियो के लिए अलग है। लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बहुत नई सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इम्पोर्टेंस आज भी ख़त्म नहीं हुई है। रेडियो आज भी हमारे दिल में है, कल भी हमारे दिल में था और हमेशा हमारे दिल में रहेगा। तो चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। ये हमारे प्रिंसिपल मैम हैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक के, मिसिज निरंजना मनवटी जी। मैम, आप बताइए कि आपके लिए रेडियो आज भी इम्पोर्टेंट है। बचपन से हम बड़े हुए हैं रेडियो को सुनते सुनते। रेडियो के प्रोग्राम सुन सुन के हमें एनकरेजमेंट मिलती थी। वहाँ के जो म्यूजिक प्रोग्राम्स होते थे उनको देखने के लिए हम बैठते थे। अभी भी रेडियो को हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में फॉलो कर रहे हैं। जैसे बिग FM वगैरह, जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले हाथ हमारा उसी की तरफ जाता है और उसी को हम ऑन करते हैं। ये हमारे जीवन को थोड़ा सा रसमय बनाता है, अदरवाइज जीवन डल लगता है। यानी बिल्कुल, रेडियो जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, रेडियो का इस्तेमाल कम हुआ है। और उसका मेन रीज़न है, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, तो हम प्रेफर करते हैं मोबाइल से ही न्यूज़ देख लेना, बाकी प्रोग्राम्स या फिर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है हमारे लिए हमारा अपना मोबाइल। तो मगर फिर भी रेडियो के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे उसके वहाँ पे फरमाइशी गानों का प्रोग्राम होता है, पिटारा होता है, जिसमें एक ख़ास पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वहाँ जैसे न्यूज़ का है, रीजनल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होते हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, लोग उन प्रोग्राम्स का इंतज़ार करते हैं। तो मुझे लगता है रेडियो की अहमियत जो है अभी भी है, लोग पसंद करते हैं। जो रेडियो की प्रोग्राम्स की खूबसूरती है वो अभी भी बरकरार है। यंत्र है जो हर एक के घर में है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रेडियो को ही चुना है अपनी मन की बात पहुंचाने के लिए, सरकार और जनता के बीच में कनेक्शन के लिए। इसका रीज़न यही है, इसका कारण यही है, क्योंकि हाँ, रेडियो जो है वो हर जगह मिलता है। हाँ, रेडियो के लिए ये वाईफाई कनेक्शन हर कोई थोड़ा ले सकता है, क्योंकि गांव में रिमोट एरिया में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल, आप बताइए मैम कि रेडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एज में, जब लोग इतना डिजिटाइज हो चुके हैं कि कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन्स के अंदर घुसे हैं। तो आई थिंक रेडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू गेट एंटरटेनमेंट और आपकी हेल्थ भी स्टेक पे नहीं आती। और मोरोवर मुझे लगता है सॉन्ग बड़े मेलोडियस होते हैं। और आपका मन पसंद प्रोग्राम कौन सा है? 92.7 FM। ओहो, रेडियो के बारे में कुछ बताएंगे कि रेडियो आज भी आप सुनते हैं? सुनता हूँ तो इतना ज्यादा नहीं है, खबर खबर ही सुनता हूँ। लेकिन रेडियो मतलब कि आप सुनना पसंद करते हैं? कुछ और रेडियो के बारे में बोलेंगे? और बात यही न्यूज वगैरह, जहाँ आजकल तो टाइम भी नहीं मिलता, इतना काम मिलता है ना, फिर भी रेडियो मतलब कि अच्छा लगता है। रेडियो जैसे कि एक तो हमें पुराने जमाने की याद दिलाता है, और ये फ्री ऑफ कास्ट जो हमें न्यूज और गाने, ऐसे ऐसे गाने सुनाता है, कई बार तो हम जिसके अपने माइंड में भी रखे होते, पुरानी यादें ताजी करता है, न्यूज रखता है और हमें नई नई चीजों का। और सबसे बड़ा बात है, आज के टाइम साता है तो कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया के हाल बेखूबी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। यस टू रेडियो, यस टू ट्रस्ट। आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम टीवी ऑन करें। अब गाड़ी में आ रहे हैं, हम रेडियो सुन रहे हैं, उस टाइम काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, एंटरटेनमेंट होता है उस टाइम वहाँ पे हमें। थैंक यू मैम। रेडियो आप, इसकी एक अलग सी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। जब भी हम रेडियो सुनते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है, एक पुराने जो ओल्ड सॉन्ग जो मेरे को बड़े पसंद है वो मुझे वहीं सुनने को मिलते हैं। और आपका फेवरेट प्रोग्राम रेडियो में? रेडियो में सभी है, जैसे 92.7 FM सुनना मुझे बहुत पसंद है, मिर्ची बहुत पसंद है सुनना। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम रेडियो पे ही वो रहते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज खुशबू ठुसू फ्रॉम टेक्सटाइल ब्रांच, एंड आई थिंक रेडियो मैटर्स, एंड हियर्स व्हाई। रेडियो इज लोकल, अनलाइक टेलीविजन, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया, रेडियो इज कंज्यूम्ड एंड क्रिएटेड लोकली विद लोकल एडवर्टाइजर्स एंड न्यूज। रेडियो इज इमीडिएट, नथिंग बीट्स द रेडियोज एबिलिटी टू प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन
रेडियो इज ऑल्सो क्विकर देन टेलीविजन टू एयर इवेंट्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड प्रोडक्शन टाइम. रेडियो कभी रेडियो की खबर सुनते थे और आज रेडियो की खबर से ही बेखबर हो गए हम. हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे गाइस. Hello everyone, myself Kaina Bajaj from Government One Polytechnic Jammu. Today in this World's Radio Day, I will tell you about radio and importance of radio. Radio is a great and useful invention of modern science. It is a part of our modern life. It plays a very important role in our life. Radio broadcasts can provide information and entertainment 24 hours a day to provide the most recent updates about news and something entertainment related to listeners.